देखा कि कुलपति से लेकर तमाम डायरेक्टर या डीनिया सभी स्टाफ्स को इंस्ट्रक्शन है कि आप क्लास वन वीक में एक लीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्यों आपने अपनाया और इसकी महत्ता हम देखें कितनी है? उसका प्रमुख तो ये है कि देखिए ये वैसे इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुझे पता है कि कुलपति के पास कितना काम है, कितना इलाका है, कहाँ कहाँ जाना है, तो उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, जब भी मैं मेन कैंपस पर हूँ या किसी में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में भी जाता हूँ तो बच्चों के साथ मैं इंटरेक्शन करता हूँ, उनसे सारी बातों का पता लगाता हूँ कि वो प्रैक्टिकल उन्होंने पूरे बनाए, रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया, कैसी उनकी हैंडराइटिंग है, कितने वो रेगुलर हैं उनको लिखने में, नोट करने में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाने में। इसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, उनको उनकी उसकी क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है उसमें वो होता है, एनहांसमेंट होता है। फिर ये जरूरी इसलिए भी है कि जो मेरे पास मान लिया नॉलेज है, आज मैंने IRI में करीब 16-17 साल पढ़ाया है और वहां MSc PhD के बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे यहाँ पर उस चीज से अनभिज्ञ क्यों रहे, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जो मेरे पास नॉलेज है वो क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ शेयर करूं। नॉलेज का होना एक चीज होती है, नॉलेज का ट्रांसलेट करना, उसको आगे पहुंचाना दूसरी चीज होती है। तो मेरा पूरा जिंदगी का एक मोटो रहा है कि जो नॉलेज आपके पास है वो अल्टीमेटली जो जिस आदमी को भी जरूरत हो उसके पास पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से आगे चल के, मैं जोधपुर में भी जब कुलपति था कृषि विश्वविद्यालय का, वहां भी मैं मास्टर्स को MSc और PhD की क्लासेस लेता था, और यहाँ भी वर्तमान में मैंने इस सेमेस्टर में 3 कोर्स लिए हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो MSc के लिए है, और प्लस में दूसरा कोर्स 2 PhD के कोर्स है, रिसेंट ट्रेंड्स इन वेजिटेबल कल्टीवेशन एंड एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुल मिला के बात यही, स्टाफ की वर्तमान में कमी है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, और ये जो सिस्टम है पूरा, कहीं ना कहीं जब आपके पास स्टाफ कम है, फैकल्टी कम है, तो उसमें भी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है कि आप मेन कैंपस से अगर टीचर को भरतपुर में इंजीनियरिंग का नहीं है तो उसकी पढ़ाई यहाँ से करवा सकते हैं, या मान लिया वहाँ प्लांट ब्रीडिंग का टीचर नहीं है तो यहाँ से वो क्लासेज हो सकते हैं। चाहे भरतपुर हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे लालसोट हो, चाहे वो नौगांव हो, वहां पर अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और मान लिया जैसे मैं ही सब जगह मैं नहीं जा सकता, सब जगह हर एक टीचर भी नहीं जा सकता, और कहीं कोई टीचर की कमी है या हमें कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन किसी बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे करना है तो उसको हम यहीं से जोड़ सकते हैं बच्चों को। और आपने अभी देखा भी कि कितनी अच्छे तरीके से हमारा सिस्टम पूरा काम कर रहा है। भरतपुर से पूरे बच्चे जुड़े हुए थे, फतेहपुर से जुड़े हुए थे, नवगांव से जुड़े हुए थे, लालसोट से जुड़े हुए थे, तो इसी तरीके से हम हमारे जितने 13 कॉलेज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, उनमें सब में ये फैसिलिटी हम स्लोली अभी हमारे 6 या 7 कॉलेज में ये फैसिलिटी क्लियर कट है, तो 13 के 13 कॉलेज में हम चाहते हैं उनको ये फैसिलिटी क्रिएट हो। तो बहुत सारे कई बार होता है टीचर नहीं है वहां और कोई टॉपिक बच्चों का बच गया, तो कोई जरूरी नहीं मेन कैंपस का टीचर भी पूरी क्लास वहां ले सकता है, और ये पहले भी मैंने भी किया है, हमारे साथियों ने भी किया है कि यहाँ से कई एस्पेक्ट्स पे जो हमने क्लास लिए बच्चों की, हॉर्टिकल्चर की बात हो या दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो, तो इसलिए ये स्मार्ट क्लासरूम वाला सिस्टम बहुत अच्छा है कि इसको वर्चुअल कि आप यहाँ खड़े हो और पढ़ा सब जगह रहे हो, आप यहाँ खड़े होकर जो है ना, तो इसलिए और मिलेट्स का तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हम, और कैसे ओवरऑल लोगों का जो कुपोषण की बात है, पोषण जो सुरक्षा की बात है वो मजबूत हो, और देश से हमारा निर्यात भी बढ़े वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का, और जो भारत सरकार ने जो मुहिम चलाई है उसको कैसे हम सफलता उसको सफल